सो गाइस, आज के वीडियो में आपको दुनिया का सबसे पतला 5G स्मार्टफोन की जानकारी देने वाला हूँ। आप बिल्कुल सही समझे, आज के वीडियो में आपको मोटो H30 की जानकारी देने वाला हूँ, जो कि एक दुनिया का सबसे थिक स्मार्टफोन है। अगर मैं स्मार्टफोन की थिकनेस की बात करूँ तो ये स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ 6.79 mm की थिकनेस के साथ आता है। ये तो हो गई सिर्फ एक चीज, लेकिन इस स्मार्टफोन में आपको बहुत कुछ और भी चीज ऐसी देखने को मिलती है जो कि एक फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन को टक्कर देते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी चीजें बताने वाला हूं स्मार्टफोन की, कि स्मार्टफोन में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है और क्या चीजें देखने को नहीं मिलती। वीडियो को अंत तक देखें। अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो यकीन माने आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो ज्यादा वक्त ना देते सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, इस स्मार्टफोन में हमको दो कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कलर है अरोरा ग्रीन और दूसरा कलर है मेटियोर ग्रे। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मुझे जो अरोरा ग्रीन कलर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे कमेंट में बताएं आपको इन दोनों में से कौन सा कलर अच्छा लगता है। अगर हम बिल्ड की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमको बैक साइड में पूरी तरह से प्लास्टिक देखने को मिलता है, लेकिन जो इसमें प्लास्टिक मटेरियल यूज किया है वो अच्छे लेवल का प्लास्टिक मटेरियल है, इसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और बैक साइड में हमको 3 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। अगर मैं कैमरे की मेगापिक्सल की बात करूं तो इसमें हमको रियर कैमरा 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और अल्ट्रा वाइड कैमरा भी हमको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और 2 मेगापिक्सल का हमको डेप्थ के लिए कैमरा देखने को मिलता है। और एक बात, इस स्मार्टफोन में जो कैमरा है उसमें हमको OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है। अभी जिन लोगों को OIS क्या होता है मालूम नहीं, उनको बता दूं, अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो इसमें हमको वीडियो एकदम स्टेबल फॉर्म में रिकॉर्ड होती है। अगर आप भागते हुए भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो स्टेबल फॉर्म में रिकॉर्ड हो जाती है। तो इस बात पर एक वीडियो को लाइक तो बनता है गाइस। तो अभी बैक साइड से उठकर हम राइट साइड में आते हैं। राइट साइड में हमको पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है और पावर ऑन ऑफ बटन के ठीक ऊपर ही हमको वॉल्यूम ब्रेकर के बटन देखने को मिलते हैं। नीचे की साइड आए तो नीचे हमको एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है, टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है और साथ ही साथ नीचे ही हमको एक सिम ट्रे भी देखने को मिलता है और एक माइक्रोफोन भी देखने को मिलता है। ठीक है, अभी ऊपर की साइड आए तो हमें ऊपर एक सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को मिलता है। ये तो हो गए चारों कोने की बातें, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अभी हमने देखा पीछे दाएं बाएं सब चीजें देख ली, अभी आते हैं फ्रंट साइड में। इसका जो फ्रंट साइड में जो आता है मतलब डिस्प्ले, भाई तबाही डिस्प्ले आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमको 6.55 इंच का फुल HD प्लस PoLED डिस्प्ले, जो कि एक HDR10 प्लस और साथ ही साथ 10 बिट्स का डिस्प्ले है और जो कि एक 144Hz का डिस्प्ले है। मतलब भाई डिस्प्ले की बात करें तो भाई इसमें हमको बहुत ही ज्यादा तबाही डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगर मैं एक सीधे लफ्जों में कहूँ तो इसमें आपको बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलने वाली है और साथ ही साथ आपको डिस्प्ले के अंदर ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, मतलब इनबिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। और ऊपर की साइड में हमको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी के लिए कैमरा देखने को मिल जाता है और इतने ज्यादा अच्छे डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए हमको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। अभी डिस्प्ले की बात करो तो पर्सनली मुझे इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले बहुत ही अच्छा लगा है। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको इस डिस्प्ले को लेकर क्या राय है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको कहा था, ये दुनिया का सबसे थिक स्मार्टफोन है, क्योंकि इसकी थिकनेस है 6.79 mm की थिकनेस है। और साथ ही साथ अगर मैं स्मार्टफोन का वेट की बात करूं तो इसमें हमको 155 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि एक लाइट वेट स्मार्टफोन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और इस स्मार्टफोन में हमको 4020 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, मतलब 4020 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इस स्मार्टफोन की बैटरी आपको एक दिन से ऊपर भी बड़े आराम के साथ इसको यूज कर सकते हैं। और इस स्मार्टफोन के साथ में आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है, एक बहुत अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि 33 वाट का फास्ट चार्जर भी ठीक है, बड़े आराम के साथ 1-2 घंटे में उसको फुल चार्ज कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और इस स्मार्टफोन में जो चीज पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो कि है स्टॉक एंड्रॉइड। आप ये स्मार्टफोन में पूरी तरह से स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है, मतलब फालतू के कोई आप देखने को नहीं मिलते, आपका जो यूजिंग एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा हो जाता है स्टॉक एंड्रॉइड के साथ। और इसमें आपको एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब इनबॉक्स आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिलता है। लेकिन कंपनी ने क्लेम किया है, गारंटी दी है कि आपको एंड्रॉइड 12, 30 और 40 भी देखने को मिलने वाला है, मतलब आप एंड्रॉइड 40 तक इसके अपडेट देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ 3 ईयर्स मतलब 3 साल तक सिक्योरिटी पैच के अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। 3 साल तक आपको स्मार्टफोन में रेगुलर अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। सो गाइस, अभी तक हमने देखा बिल्ड देखी, डिजाइन देखी, डिस्प्ले देखा, हर एक चीज देख ली, लेकिन मेन चीज तो हमने देखी नहीं, जो कि है इसका प्रोसेसर। सो गाइस, इस स्मार्टफोन में हमको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 778 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिलता है। भाई मतलब इस प्रोसेसर के साथ आने वाले दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन है, इसकी वजह से इस मतलब दुनिया का सबसे थिक स्मार्टफोन और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 778 प्लस का आने वाला ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन, मतलब भाई सारी चीजें टॉप ऑफ द नॉच आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है।
तो गाइस ये तो हो गई सारी चीजें। अब ये सारी चीजें मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज करने वाली बात है जो कि इसका 3.5 mm हेडफोन जैक मिस है। इस स्मार्टफोन में हमको हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही ज्यादा खराब बात लगी है। कंपनी क्यों स्मार्टफोन से हेडफोन जैक को रिमूव करती है पर्सनली मुझे अभी तक समझ में ना आ रहा है, लेकिन ठीक है अभी नहीं दिया तो कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको भी जितनी मुझे नीड है हेडफोन जैक की उतनी आपको भी नीड होती है, कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और एक मिनट गाइस, हमने अभी तक तो स्टोरेज की बात की नहीं। इसमें हमको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं स्टोरेज के। पहला है 6 GB रैम 128 GB वाला और दूसरा है 8 GB रैम 128 GB वाला। आपको स्मार्टफोन में सिर्फ दो ही स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन एक डिसएडवांटेज और करने वाली बात है, जो उसका 128 GB वाला जो एक्सटर्नल मेमोरी है उसको आप बढ़ा नहीं सकते, मतलब एक्सपेंड नहीं कर सकते। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे, जो सिम ट्रे है उसमें आप सिर्फ दो ही सिम लगा सकते हैं, एक एक्स्ट्रा एसडी कार्ड नहीं यूज कर सकते। अगर हम प्राइस की बात करें तो इसमें जो 6 GB रैम 128 GB वाला वेरिएंट है वो आपको 28,000 में देखने को मिलता है, मतलब 28,000, ठीक है। और दूसरा वेरिएंट है 8 GB रैम 128 GB वाला, वो आपको 30,000 का देखने को मिलता है, मतलब एक रुपए कम कर दीजिए। और एक बात गाइस, ये स्मार्टफोन 12 मई को लॉन्च हो चुका है। अपना वीडियो थोड़ा सा देरी से आता है, आपको तो मालूम होगा क्योंकि मैं सारी रिसर्च कर ही वीडियो बनाता हूँ, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और इस स्मार्टफोन की सेलिंग डेट जो कि है 19 मई, आप उसको 19 मई से इस स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अभी देखने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, 19 मई से इसकी सेलिंग चालू होने वाली है। तो गाइस बस इतना ही था इस स्मार्टफोन की। आई होप मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको हर एक चीज स्मार्टफोन की बता दी है। अगर गलती से कुछ चीजें मिस हो चुकी होगी तो आप मुझे कमेंट में बताएं, उसका मैं आंसर आपको 101% दूंगा। तो गाइस आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो थोड़े से धीरे धीरे से आ रहे हैं क्योंकि मैं अभी फिलहाल मैं बाहर हूँ, इसकी वजह से मैं ज्यादातर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और एक बात गाइस, मेरे आपसे एक शिकायत है, क्योंकि आप वीडियोज तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। हो सकता है उतने ज्यादा आपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और उनको भी कह दीजिए क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि अभी तक हमारा चैनल नया है तो आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो गाइस जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्दी किसी अगले वीडियो मिलने का वादा करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।